आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। पैसे लाओ नौकरी पाओ और बाद में भूल जाओ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मामला मुरादाबाद क्षेत्र के पंडित नगला का है, जहाँ राजकुमार और टिंकू में नौकरी के लिए एक निजी कंपनी के एमडी अजय गुप्ता को 80,000 रुपये दिए थे। परिजनों के अनुसार अजय गुप्ता ने कहा था कि उनकी बच्चों की नौकरी मुरादाबाद राजकीय पॉलिटेक्निक में लैब अटेंड और वर्कशॉप अटेंड तौर पर मिलेगी, परंतु इसका उल्टा ही हुआ। राजकुमार और टिंकू के मुताबिक कंपनी का एमडी अजय गुप्ता उनसे अपना निजी काम कराता था, इतना ही नहीं और बिना किसी नोटिस के उनको जॉब से निकाल दिया गया। कहा गया कि तुम किसी काम के नहीं हो। आपको बताते चलें कि राजकुमार और टिंकू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर फिर भी उन्होंने कैसे न कैसे करके 80,000 रुपये का इंतजाम किया था और जब कंपनी के एमडी ने नौकरी से निकाल दिया तो पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई। और हमने 3 महीने तक बिजनेस करी हमारी मुरादाबाद की, और 3 महीने के बाद हमें चंदौर से भेज दिया गया था और फिर भागे भी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। 150 रुपया हो गया तो हमने सब हो गया अच्छा आने जाना, हमने अपने पास सेव करा। क्या डिपार्टमेंट, क्या डिपार्टमेंट बनाओ आपको, क्या तकलीफ है आपसे, क्या हमें ये तकलीफ है और हमें वहाँ से हटा दिया गया और क्या काम था आपको वहाँ पर? वहाँ का काम और सर हमसे काम बहुत गलत कराया गया, अपने घर का काम करवाया गया, बच्चे काम करवाई गई और गाड़ी धुलवाई गई, भंडारी साफ करवाई गई और अपने आस पास का सारा पूरा साफ करवाया गया। और ये कहते थे अगर तुम्हें यहाँ इतने झूल झाड़ में कोई कोई जिनावर काट ले, सांप काट ले, चकूर काट ले, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हम तुमसे क्या चाहते हो? और हम ये चाहते हैं या फिर हमें मुरादाबाद में लगवा दी जाए या फिर हमारे घर पे। रोनित सर क्या नाम है? राम कुमार सर। राम कुमार जी कहाँ रहते हैं आप? मुरादाबाद पंडित नगला वार्ड नंबर 3। राम कुमार जी क्या मामला है? मामला ये है कि रमा इन्फोटेक प्राइवेट कंपनी ने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में लैब अटेंडेंस के पद पर और लैब वर्कशॉप अटेंडेंस पद पर जगह निकाली है, तो इन्होंने जो है अपने एजेंट के माध्यम से 80,000 रुपये लेकर के वहाँ पे अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग करा दी। वहाँ पर पैसे लेने वाला अजय वर्मा इनका असिस्टेंट मैनेजर और पैसे जो दिए गए हैं वो प्रभात कुमार इनका एजेंट है और इनकी आपसी साठगांठ से ये पैसे दिए गए इन्होंने। क्या नाम है इनका? एजेंट का नाम है प्रभात कुमार और उसका जय वर्मा को दिए, जय वर्मा ने अब एमडी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चों को जो ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है जी ये इनकी योग्यता पे नहीं दिया गया है? ये भ्रामक अपॉइंटमेंट है, कहा था हमसे मुरादाबाद पोस्टिंग कराएंगे और मुरादाबाद 3 महीने ज्वाइन कराने के बाद में इन्हें जो है चंदौसी शिफ्ट कर दिया गया, 6,000 रुपये तनख्वाह दिए केवल और उसमें भरण पोषण पूरा हो ही नहीं रहा बच्चों का। और उसके बाद भी यहाँ से मुरादाबाद से 45 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पर चंदौसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो रामा इंफ्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने आपसे कितने रुपये की डिमांड करी थी उसके एमडी ने? इनके एमडी ने और एजेंट ने 80,000 रुपये एक बच्चे के लिए, 80,000 दोनों का अलग अलग लिए, एक 60 लिए हैं जी जी। टोटल कितने? कुल 1,60,000। अब आप क्या चाहते हैं? अब बच्चे को हमारे यहाँ पर गलत काम कराए गए, घरेलू काम करवाए गए, पहुँचा झाड़ू पहुँचा प्रिंसिपल द्वारा और एक सुशील कुमार वहाँ का जो हेड बना रखा था इन बच्चों से नाजायज तरीके से बोले गलत काम करवाए गए और उनसे कहा काम करो नहीं तो यहाँ से भागो, तुम्हारी अटेंडेंस वो महीने के बाद लगाएंगे। उन्होंने काम करा 5 महीने तक, उन्होंने अरेस्ट में हाजिर नहीं लगवाई। 22 जून 2018 तक उन्होंने काम करा, उसके बाद उन्होंने केवल सैलरी दिसंबर अक्टूबर तक की दी है और बेचारे परेशान हैं। फिर आखिर में प्रिंसिपल और सुशील कुमार द्वारा इन्हें बाहर से पॉलिटेक्निक कॉलेज से निकाल दिया गया। इन लड़कों का नाम क्या है? टिंकू सागर और राजकुमार। अब क्या कर रहे हैं? अब ये हमारे पैसे भी चले गए और नौकरी भी चली गई, दलित छात्र दलित बच्चे हैं SC ST में जाटव जाति के बच्चे हैं, अब ये बेचारे कर्जा लेकर उन्होंने जैसे तैसे पैसे वसूल करे और वो पैसा भी चला गया, नौकरी भी चले गया। ये कंपनी कहाँ पर? ये रमा इन्फोटेक कंपनी मुरादाबाद और लखनऊ हजरतगंज
मैं मतलब कुल मिलाकर कम शब्दों में आपका कहना अर्थ यह है कि बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, पूरा शोषण हो रहा है बिना सूचना दिए। एमडी के द्वारा अजय गुप्ता जिसका कंपनी का एमडी है, उसका सारा खेल है मतलब